अगर आपको फिशर की प्रॉब्लम हो गई है, फिशर की समस्या हो गई है, जिससे आप जो है काफ़ी परेशान हैं, अगर आपको फिशर की वजह से जो है कि ब्लीडिंग हो रही है, एनल कैनाल के रीजन में आपको क्रैक हो गया है जिसके वजह से जो है कि जलन होता है, शौच के समय काफ़ी दिक्कतें होती हैं, कभी कभी ब्लड भी आपको आता है, तो ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक में कुछ दवाइयां हैं जिसको ले करके आप आसानी से अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जिनको भी अगर फिशर की प्रॉब्लम है, वह सबसे पहले तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि कब्ज न आपको बन पाए, क्योंकि अगर कब्ज बनेगा आपको, स्टूल हार्ड होगा, तो आपको फिशर की समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिनको भी अगर फिशर की समस्या है, वह सबसे पहले तो अपने खान पान में तेल और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन का उपयोग ना करें, हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें, फल का सेवन करें, जिसके वजह से आपको जो है कि पेट, सबसे पहले पेट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। जब पेट क्लियर रहेगा तो आधा प्रॉब्लम आपको जो है कि अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो जिनको भी अगर फिशर की समस्या है, पहला नंबर तो आप परहेज़ करना बिल्कुल ना भूलें, तेल मसालेदार बाहर का चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दें, और घर का बना हुआ हल्के तेल में या हल्के मसालेदार सब्जियों को जो है आप सेवन कर सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा फल का सेवन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके साथ साथ आप होम्योपैथिक में एसिड नाइट्रिक 30 पावर को लेकर के, और नक्सोमिका 30 पावर को लेकर के, और रेटेनिया 30 पावर में, और हेमिमेलिस 30 पावर में, इन चार मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो आपको जो है फिशर से मुक्ति मिल सकता है। तो जिन लोगों को अगर फिशर की शिकायत है, आप एक बार इन चार दवाओं को लेकर के आप अवश्य देखें। इन चार दवाओं को जो है आप दो दो ड्राप 3 बार 1 से 2 महीना 3 महीना तक अगर यूज करते हैं आप, तो आपकी फिशर की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो इन चार दवाओं को बिल्कुल नोट करें आप, और कहीं से भी लेकर के आप इसे 3 बार यूज करें। अगर आप इसको 1 से 2 माह तक चला देते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपका फिशर की समस्या जो है आप उससे निजात पा सकते हैं। और उसके साथ साथ परहेज़ करना ना भूलें, परहेज़ आप बिल्कुल करिए, क्योंकि अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो दवा से ठीक होने के बावजूद आपकी समस्या बढ़ जाएगी। तो दवा के साथ साथ परहेज़ ज़रूरी है, परहेज़ करिए और दवा को साथ में लीजिए, और देखेंगे कि आपको बहुत जल्द ही आपकी फिशर की समस्या दूर हो जाएगी। तो ऐसा आप करके देखें और परहेज़ करें, पानी खूब सारा पिएं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।